आप भी आ जाइए, इनको भी बैठा दीजिए ना, इनको बैठा दीजिए, आप बैठ जाइए। बहुत काम करने वाले आदमी थोड़ा पीछे जी। देखिए ये अचानक हमारी जो है कोरोना वायरस को लेकर वो एक्चुअली हम लोग लगातार इसके लिए सौगरात से जब से 20 मार्च के बाद से जब तक मीटिंग हुई उसमें डिसाइड हुआ, उसके बाद से हम लोग की जो आप यही खास करके बढ़ जाती है चेयरमैन होने के नाते वोट की, क्योंकि जितनी धार्मिक मुस्लिम धार्मिक इदारे हैं सब हम लोगों के अधीन आते हैं, सब वक्त की प्रॉपर्टी होती है। तो लगातार हम लोगों ने ये पेपर में देख करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना किया कि अभी हमारी जवाबदेही बढ़ जाएगी और लगातार शवग्रास से लेकर के उसके बाद से रमजान आए और लगातार हम लोगों ने लिपलेट बचवा करके मस्जिदों में ऐलान करा करके और जा करके ये समझिए कि जितने हमारे रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्स, जो धार्मिक स्थान है जो हमारे केयर टेकर है वहाँ, जैसे उस प्रबंध समिति के सेक्रेटरी हैं, मुतवल्ली हैं और वहाँ जो इमाम हैं जो नमाज पढ़ाते हैं और जो अजान देते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में मीटिंग कर करके लेने का काम किया और उन लोगों को भी ये बताया कि इसलिए अच्छी बात है ये कि इसमें आप लोगों ने पहल की और उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनको लगातार जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मस्जिद है उनके इमाम को भी हम लोगों ने लगातार वजीफा देने का काम किया, जो अजान देते हैं उनको वजीफा देने का काम किया। एक काम अभी और हम लोगों ने किया है कि इस तरह की जो धार्मिक स्थलें हैं जो कहीं ना कहीं जिसको देख रेख नहीं हो पाता है, तो कल हमने एक हमारी बूथ बैठे उसमें हम लोगों ने खादिम रखने का काम किया, हमारे अपने रिसोर्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। अब मेरा ये हमने आदेश किया है पूरे बिहार में जितनी मस्जिदें हैं वहाँ जो नमाज पढ़ने सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके जो नमाज पढ़ है उनको मास्क मुहैया कराया जाए, वो एबल केपेबल नहीं है और उसके बाद से उनको पूरी मस्जिद को साफ सुथरे तरीके से समय का ध्यान रखते हुए उसको सैनिटाइज किया जाए। और ये भी अपील है कि जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र है वो मस्जिद ना जाए और फर्ज नमाज अपने घर में पढ़े, जो 13-14 साल के बच्चे हैं वो बच्चे भी ना जाए। लगातार हम लोग इसको समाज हित में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की बातें हैं और समाज में जो भी झुकी झोपड़ियाँ हैं, जैसे हमारे अधीन वहाँ पटना में भी जैसे चांद कोली है और मछुआ टोली है, इस तरह की बातें भी हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किए कि देखिए इस तरह किसी धार्मिक मामले इसमें नहीं आने चाहिए। उसकी वजह है कि हमारी आपकी जो जवाबदेही, अभी हमारी आपकी जवाबदेही इंसानियत के नाते भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बात का ख्याल हम लोगों ने लगातार 27 मार्च से रख करके अब तक रखा, इसका मैसेज भी दिया। यही मैसेज सुन कर करके हमारे मामले हैं कि मीडिया के लोग भी हमारे यहाँ गए कि आप कैसे इतने लंबे समय तक सारे समाज को लेकर करके सोशल डिस्टेंसिंग